अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? आज हमारे किचन में बनने जा रहा है रोल, चिकन रोटी रोल, जिसके लिए हमें चिकन चाहिए, उबली हुई और रेशा की हुई, बंद गोभी बारीक कटी हुई, एक अदद गाजर बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च, खीरा, केचप सॉरी मायोनीज चाहिए, दो अदद टमाटर चाहिए, एक अदद प्याज चाहिए और फ्रेंच फ्राइज चाहिए, आलू चाहिए फ्रेंच फ्राइज के लिए। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन है ये उबली हुई है और रेशा की हुई है, तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्चें पीसी हुई, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पाउडर, आप लहसुन अदरक पिसा हुआ पेस्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सोया सॉस, ये वाला स्पून 2 चम्मच मैंने इसके ऊपर डाल के, और मैंने इसको हल्के से तेल में शैलो फ्राई कर दिया। ये मेरा रोटी का मसाला तैयार है। ये खीरा है, खीरे के अंदर मैंने 1/2 टीस्पून ये डाला है सोया सॉस। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये एक बटर पेपर लिया, इसको हाफ कर लिया। ये मेरे पास डॉन की रोटियां हैं जो नॉर्मली हर दुकान से मिल सकती हैं, आप ये ले लें। मैंने तवे को पहले से गरम कर लिया था, इस पर अब मैं ये रोटी रख रही हूँ इसे गरम करने के लिए। मेरा फ्लेम देखें बहुत हल्का है। अब मैं इसको इस तरह से करके गरम करूँगी। मैंने रोटी को बटर पेपर पर रख लिया है। अब इसमें सबसे पहले जो मैंने मायोनीज और गाजर शिमला मिर्च ये मिलाई थी, इसको मैं इस तरह से फैला लूँगी, इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी ये क्रश हुई बंद गोभी, इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ बंद गोभी में, और ये जो मैंने अपना मसाला बनाया था ये मैं रखूँगी। आप इसकी बूटियों को थोड़ा सा तोड़ लें अगर बड़ी हो गई हैं ये तो। और अब डाल लें इसको इस तरह से। मैं डालूंगी इसमें केचप भर के, तो ये जो मैंने खीरे बनाए थे सोया सॉस में ये डालूंगी, ठीक है, इस तरह से। 2 टमाटर रखूंगी इस पर, फिर थोड़ी सी बंद गोभी, हम इसको रैप कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा रोटी रोल तैयार है, फ्रेंच फ्राइज भी तैयार हैं। नॉर्मल से मैंने इसमें काली मिर्च और नमक डाल के फ्रेंच फ्राइज तैयार कर ली। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, कल मिलूंगी नई वीडियो के साथ।